किसानों के दिल्ली कूच की प्लानिंग के बीच बैरिकेडिंग हटाने के लिए जोर जबरदस्ती के दौरान किसानों के पुलिस से झड़प हो गई। पुलिस ने आंसू गैस के गोलों के साथ रबर की गोलियां भी चलाई। पुलिस कार्रवाई में एक युवक के मरने की खबर जबकि करीब दो दर्जन से अधिक किसानों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी युवक की मौत की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि बैरिकेडिंग हटाने के दौरान किसानों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। इस झड़प के दौरान शुभकरण सह नामक एक युवक के मारे जाने की खबर आ रही है। एक किसान नेता ने दावा किया कि खनौरी बॉर्डर पर भटिंडा जिले के 21 वर्षीय शुभकरण की मौत पुलिस की गोली लगने से हुई है। जख्मी हालत में दिखाई दे रहे किसान नेता ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि किसानों के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सिर में गोली लगने से युवक की मौत हो गई, उसके सिर में बड़ा जख्म आया और वह मर गया। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार के लाए 3 काले कृषि कानूनों ने पहले ही 700 से अधिक किसानों की शहादत ले ली थी। अब खनौरी बॉर्डर पर एक 23 साल के युवा किसान के सिर में गोली लगने से मौत होना बहुत ही दुखद है। पैलेट गन, टियर गैस और अभी शहादत, आखिर कब तक हमारे गांव के किसान और खेत खलिहान को भाजपा युद्ध का मैदान मानती रहेगी और कितने किसान परिवारों से जान लेगी। उन्होंने लिखा कि एमएसपी गारंटी कानून और किसान कर्ज माफी पर अपने ही वादे से मुकरी भाजपा एक अपना हक मांगते हुए किसान पर किसी दुश्मन हमलावर की तरह गोलीबारी की बौछारें कर रही है। भाजपा सरकार को उसका वादा याद दिलाने दिल्ली आ रहे किसानों की राह में कीलबंदी से लेकर लाठियों और लगातार गोलीबारी की मार तक क्रूरता की सारी हदें पार कर दी है। हर बार न्याय मांगते हम किसानों से, बस धोखा, बेहिसाब, जोर जुल्म और ये जानलेवा अत्याचार ही क्या मोदी की गारंटी है।